गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ निकिता पोरवाल। एंड जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें हम क्या कर चुके थे, हमारा जो चैप्टर नंबर सेकेंड था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हमको क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, द टॉकेटिव टर्टल, यानी बात करने वाला टर्टल, है ना। जिसे बात करने की बहुत आदत है वो क्या कहता है, टॉकेटिव कहलाता है। तो टॉकेटिव टर्टल यानी बात करने वाला या बहुत बातों नहीं जो होता है वो टर्टल। टर्टल यानी क्या होता है आपको पता है ना, टर्टल यानी क्या होता है, कछुआ होता है। तो जब बातचीत करने वाले हैं बहुत बातूनी कछुआ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें चैप्टर, है ना। दिया हुआ है हमको द टॉकेटिव टर्टल, अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में बताया गया है। समटाइम्स योर एल्डर एंड फ्रेंड्स टेल यू वॉट यू शुड नॉट डू। बहुत सी बार होता है कि आपके जो बड़े होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दे टेल यू दिस फॉर योर ओन गुड। वो सब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके अच्छे के लिए कहते हैं, कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो इसलिए कहते हैं वो, है ना। बट डू यू ऑलवेज लिसन टू देम, पर क्या आप हमेशा उनकी सुनते हो क्या, है ना। लेट अस रीड दिस स्टोरी अबाउट अ टर्टल हु डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये स्टोरी उस टर्टल के बारे में जो क्या है, उसके फ्रेंड्स के बारे में बात नहीं सुनता था, क्योंकि हमारे बड़े होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए हमको कुछ कहते हैं। तो ये स्टोरी किस बारे में है, कि एक टर्टल के बारे में जो उनके बड़ों की बातें या उसके फ्रेंड्स की बातें नहीं सुनता है, तो उसके साथ क्या होता है, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें हम, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। वंस देयर लिव्ड अ टर्टल एंड अ पेयर ऑफ स्वान्स इन अ ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड बाय माउंटेन। यानी एक बार की बात है, एक टर्टल और एक पेयर, यानी कि दो लोग, है ना। पेयर किसको बोलते हैं, जब दो लोग होते हैं, है ना, किसके, स्वान का। स्वान यानी हंस जो होते हैं, हंसों का जोड़ा, है ना। यानी कि एक टर्टल और दो हंसों का जोड़ा, यानी एक जोड़ा हंस का एक जोड़ा क्या रहता था, एक ब्यूटीफुल लेक में, यानी एक बहुत सुंदर लेक यानी झील में रहता था, जो पूरी तरह से सराउंडेड बाय माउंटेन, जो आसपास से क्या कैसे घिरी हुई थी, पूरी माउंटेन यानी पहाड़ों से घिरी हुई थी, है ना। द टर्टल एंड द स्वान वर फ्रेंड्स, और जो टर्टल और जो स्वान थे वो क्या थे, फ्रेंड्स थे। यानी जो टर्टल था और स्वान से, यानी दोनों हंस थे, वो क्या थे, ये तीनों आपस में क्या थे, फ्रेंड्स थे। दे वुड स्पेंड ऑल देयर फ्री टाइम टुगेदर टेलिंग ईच अदर स्टोरीज। और वो क्या करते थे दोनों, वो जितने भी लोग थे तीनों, वो क्या करते थे, जब उनका फ्री टाइम होता था तो वो एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, कैसे, एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते हुए एंड एक्सचेंजिंग न्यू एंड गॉसिप्स। और क्या करते थे, एक्सचेंज करा करते थे, कि उनको जो न्यूज़ पता होती थी वो दूसरे को बताते थे, दूसरे को जो न्यूज़ पता होती थी वो तीसरे को बताते थे। तो ऐसे ही क्या होते थे, वो फ्री टाइम में कहाँ पर यूज़ करते थे उनका, एक दूसरे को स्टोरीज बताने में, न्यूज़ और गॉसिप्स में, यानी कि बातें करने में और न्यूज़ एक दूसरे को जानकारी यानी न्यूज़ बताने के लिए। द टर्टल स्पेशली लव टू टॉक एंड चैटर एंड ऑलवेज हैड समथिंग टू से। अब वो टर्टल था, जैसा कि हमको चैप्टर का नाम ही बताया गया है कि टॉकेटिव टर्टल, तो उस टर्टल को क्या था, बहुत पसंद था बातें करना, है ना। एंड चैटर, वो हमेशा क्या करता था, बोलता ही रहता था। ऑलवेज हैड समथिंग टू से, और उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता ही था, उसको बातें करना बहुत पसंद थी, है ना, इसलिए उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने को हमेशा होता ही था। वन ईयर द रेन डिड नॉट कम। एक क्या होता है, हमेशा हमारे क्या होता है, पूरा एक ईयर रहता है उसमें बारिश भी आती है, गर्मी भी आती है और सर्दी भी आती है। तो एक बार की बात है, एक ईयर क्या हुआ कि क्या हुआ, द रेन डिड नॉट कम, यानी बारिश आई नहीं, बारिश का सीजन था और बारिश क्या हुआ, आई नहीं। एंड द लेक बिगन टू ड्राई अप, और क्या हो गया, वो जो लेक हो गई, अब बारिश नहीं आती है तो क्या होता है, नदियों का पानी भी जाने लगता है। तो ऐसे ही क्या हो गई, वो लेक थी, वो झील थी, वो भी क्या हो गई, सूखने लगी। द स्वान बिकम वरी, तो इससे क्या हो गया, जो हंस है वो को उनको टेंशन हो गई, क्योंकि ये लोग कहीं में रहते हैं, सब पानी में ही रहते हैं, जबकि बारिश नहीं हुई थी तो क्या हो गई थी, वो झील सूखने लगी थी। तो उन लोगों की क्या हो गई, टेंशन हो गई इस बात की, वरी यानी टेंशन हो गई। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे कौन है, ये टर्टल है, और ये दो स्वान दिख रहे हैं आपको, दो पैर से, और ये झील में है ना। वॉट इफ इट डज नॉट ट्रेन एट ऑल, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर क्या होगा कि अगर बारिश हुई नहीं एंड द लेक ड्राइज अप कम्प्लीटली, और अगर लेक जो है वो झील जो है वो पूरी क्या हो जाएगी, पूरी तरह सूख जाएगी, तो क्या होगा, क्या होगा अगर इस ईयर बारिश ही नहीं हुई और लेक भी पूरी सूख गई, तो इस ईयर फिर होगा क्या, वेयर वुड वी लिव इन द केस। अब अगर ऐसा हो गया तो हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि उनको तो पानी में रहना होता है, अब झील सूख गई तो वो रहेंगे कहाँ, ऐसे वो आपस में
बात करते हैं किससे, जो कछुआ आपस में बात करते हैं, कौन कहता है, जो मिस्टर स्वान रहता है, ये हंसों का जोड़ा है, एक मेल एक फीमेल है, तो जो मिस्टर स्वान रहता है यानी कि जो मेल रहता है वो कहता है कि अगर ये बारिश हुई नहीं और झील पूरी सूख गई तो इस केस में हम क्या करेंगे। इंडीड द डेट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न, रिप्लाइड द मिस्टर सेन। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे मिसेस स्वान था, यहाँ पे कौन कह रही थी, फीमेल ने, फीमेल जो हंस थी उसने बोला था, है ना, यहाँ पे फीमेल हंस जो स्वान थी उसने बोला था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो रिप्लाई कौन करेगा, मिस्टर स्वान करेंगे, क्योंकि ये दोनों पेयर है ना, तो मिस्टर स्वान क्या कहते हैं, डेट इज़ कॉज ऑफ कंसर्न, ये तो चिंता की बात है ना, क्यों, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे बारिश का, है ना, तो ये तो चिंता की बात होगी। ऐसा कौन कहता है, मिस्टर स्वान जो रहता है यानी कि जो मेल स्वान जो रहता है वो कहता है। तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, वहाँ पे कौन था, टर्टल भी प्रेजेंट था, तो वो टर्टल क्या कहता है फिर, वेल आई हैव अ प्लान, सेड द टर्टल। टर्टल क्या कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक प्लान है, क्या बोलते हैं, व्हाई डोंट यू टू फ्लाई इन द सर्च ऑफ लेक दैट स्टिल हैज प्लेंटी ऑफ वाटर। अब वो क्या कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है, और क्या प्लान बताता है कि क्यों ना तुम दोनों, है ना, दोनों हंस है तो तुम दोनों उड़ जाओ और ढूंढो क्या एक लेक जहाँ पर क्या हो, पर्याप्त पानी हो कि हम रह सकें, है ना, जहाँ पर अभी भी पानी हो इतना कि हम रह सकें, ऐसी कोई लेक तुम ढूंढ लो, है ना, क्योंकि टर्टल तो उड़ नहीं सकता था, वो हंस थे, दोनों उड़ सकते थे, वो क्या कहता है क्यों ना तुम दोनों उड़ो और ढूंढ लाओ एक ऐसी लेक जहाँ पे क्या हो अभी भी पानी हो इतना कि हम वहाँ पर रह सकें। वंस यू फाइंड सच अ लेक ऑल थ्री ऑफ अस कुड मूव देयर, ऐसे ही जैसे ही तुमको कोई एक लेक मिल जाएगी ऐसी जहाँ पे पर्याप्त पानी होगा हमारे रहने के लिए, हम क्या करेंगे, तीनों वहाँ पर चले जाएंगे, है ना, ऐसा कौन कहता है, ये टर्टल कहता है। और फिर क्या होता है, अब टर्टल ने जैसे ये आइडिया दिया, द स्वान एग्रीड एंड फ्लू अप। अब क्या हो गए, जो स्वान थे यानी जो हंस थे वो दोनों क्या हो गए, एग्री हो गए, क्योंकि हाँ उनको टेंशन थी, क्योंकि क्या हो रहा था, पानी तो सूख रहा था, वो वहाँ तो रह नहीं सकते थे, तो वो एग्री हो गए और क्या हो गए, उड़ गए, चले गए। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सर्वल आवर्स, वो क्या हो गए, कुछ टाइम के लिए यानी कुछ घंटों उड़ने के बाद, दे फाउंड द परफेक्ट लेक, उनको क्या हो गई, एक परफेक्ट लेक मिल गई वहाँ पर, है ना, जिसमें क्या करना था, उनको रहना था क्योंकि उनको पानी चाहिए था, इस तरह से उनको एक लेक मिल गई। दे रिटर्न टू द टर्टल विथ अ गुड न्यूज़, अब क्या है ये तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात थी, क्यों, क्योंकि उनका जो खुद का जो लेक थी वो सूख रही थी, उनको कोई नई लेक चाहिए थी जहाँ पे रहना था उनको, और वो मिल गई, तो इस तरह की अच्छी न्यूज़ देने के लिए क्या हो गए, दे रिटर्न टू द टर्टल विथ अ गुड न्यूज़, वो क्या है फिर से उस पुरानी लेक पे आ गए, किसको गुड न्यूज़ देने, उस टर्टल को, क्योंकि उन तीनों के लिए थी वो जगह, तो We have found a lovely lake which is full of water. हमको क्या हो गई, वो क्या कहते हैं टर्टल को कि हमें एक बहुत अच्छी लेक मिली है ना, जो पूरी तरह से क्या हो गई है, फुल ऑफ वाटर यानी पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। सेड मिस्टर मिसिस स्वान एक्साइटेडली, कौन कहता है ऐसा, दोनों लौट के आते हैं तो जो मिसिस वाली जो स्वान रहती है यानी फीमेल जो स्वान रहती है वो कहती है कि हमको एक बहुत अच्छी लेक मिल गई है जो पूरी तरह से क्या है, पानी से भरी हुई है ना, बहुत एक्साइटेड होकर कहती है ये। But there is a problem. The new lake is too for you to walk to it. अब क्या रहता है, जो कछुआ रहता है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे चलता है, तो वो ऐसे एक टेंशन और बताती है कि वो जो लेक है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है ना तुम्हारे चलने के लिए, क्योंकि तुमको तो पैदल चल के जाना पड़ेगा, कछुआ उड़ता है क्या, नहीं ना, हंस तो उड़ सकते थे तो वो तो जा पाएंगे आराम से, पर कछुआ क्या है, वो लेक बहुत दूर थी, तो वो टेंशन बताती है कि एक प्रॉब्लम ये है कि तुम है ना तुम्हारे लिए वो लेक बहुत ही ज़्यादा दूर है। द स्वान डिड नॉट वॉन्ट टू लीव देयर फ्रेंड बिहाइंड, और वो क्या थे जो हंस थे वो दोनों नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करें कि वो टर्टल को वहीं छोड़ दे, क्योंकि टर्टल धीरे धीरे जाता तो बहुत टाइम लगता उसको दूसरी वाली लेक पे पहुंचने के लिए, और वो दोनों जो स्वान थे यानी हंस थे वो नहीं चाहते थे कि वो टर्टल को वहीं छोड़ के दूसरी जगह चले जाए। बट हाउ कुड द टर्टल रीच देयर, अब क्या है अगर वो पीछे भी नहीं छोड़ना चाहते, वो साथ भी नहीं ले जा पाएंगे, तो साथ ले जाएंगे तो ले जाएंगे कैसे, कैसे पहुंचेगा टर्टल इतनी दूर। द टर्टल थॉट फॉर अ वाइल एंड केम अप विद अनदर प्लान, अब क्या है अब दोनों तीनों के लिए वो तो कन्फ्यूजन हो गया कि वो कह रहे कि यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पानी नहीं हो रहा है, और वहाँ पर जाए तो टर्टल को ही छोड़ना पड़ेगा और ऐसा वो करना नहीं चाहते थे, तो टर्टल फिर सोचता है फिर एक और प्लान लाता है ना, केम अप विद अनदर प्लान यानी एक और दूसरे प्लान के साथ आता है। कैन यू फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टिक, क्या तुम एक स्ट्रॉन्ग स्टिक ढूंढ सकते हो क्या, यानी एक मजबूत लकड़ी
ढूंढ सकते हो क्या? ही आस्क द स्वान, इसको कहता है वो, स्वान को कहते हैं, है ना, इन दोनों हंसों को क्या कहता है कि क्या जाओ तुम एक काम करो, क्या तुम एक अच्छी मोटी लकड़ी ढूंढ सकते हो क्या जो बहुत ज़रा मजबूत हो, यू कैन होल्ड इट इन योर बीक्स, और ऐसी जिसको तुम तुम्हारी चोंच में होल्ड कर सको यानी थाम सको। मजबूत लकड़ी ऐसी चाहिए जो कौन दोनों हंस के अपने मुँह में थाम सके, मतलब उनको पकड़ सके। आई विल देन हैंग ऑन द स्टिक विथ योर माउथ, अब क्या है तुम दोनों क्या करना उस लकड़ी को क्या करना अपने मुंह में ही थाम लेना, मतलब दोनों अगर एक दूसरे दोनों साइड से पकड़ लेंगे तो बीच में क्या करेगा वो कछुआ क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि मैं आप पे बीच में टंग जाऊंगा, ऐसे ही हैंग हो जाऊंगा, हैंग आ जाना यानी टंग जाऊंगा जिसे, है ना, ऑन द स्टिक उस स्टिक पे, यानी किस तरह से, इस तरह से बोलता है कि एक इधर हंस रहेगा एक इधर हंस रहेगा और वो दोनों क्या करेंगे ऐसे मुंह में क्या करेंगे लकड़ी पकड़ लेंगे और यहाँ पे क्या करेगा वो कछुआ टंग जाएगा। ऐसा कौन कहता है, कछुआ बोलता है कि चलो हम ऐसा कर लेंगे, है ना, वो क्या बोलता है कि तुम जाके क्या करो कि ऐसी स्टिक ढूंढ लो जिसको तुम मुंह में थाम सको और वो मजबूत भी हो, है ना, एंड यू कुड फ्लाई विथ मी टू द न्यू लेक, और क्या इस तरह से तुम मेरे साथ मेरे को भी ले जा सकते हो न्यू लेक पे उड़ाकर, है ना, क्योंकि कछुआ जो उड़ नहीं सकता था पर क्या है हंस दोनों उड़ सकते थे, तो कछुआ क्या आइडिया बताता है कि तुम ऐसी स्टिक ले आओ जो तुम दोनों मुँह में भी थाम सको और उस पर बैठ कर मैं क्या कर सकूँ नई लेक तक तुम्हारे साथ चल सकूँ। उसके बाद क्या होता है, द स्वान लाइक द आइडिया थो दे वर वरी डेड द टर्टल माइट बिगिन टॉकिंग एंड फॉल्स ऑफ द स्टिक, अब क्या है टर्टल को हंस से उन दोनों को ये आइडिया तो अच्छा लगा कि हाँ ठीक है ये तो हो सकता है कि हम तुमको इस तरह से ले जा सकते हैं, पर उनको एक टेंशन भी थी, क्या वरी थी उनकी, दे आर वरीड किस बात, दैट द टर्टल माइट बिगिन टॉकिंग, अब क्या है वो टर्टल था उसको क्या था बहुत बोलने की आदत थी, तो उनको ये टेंशन थी कि लकड़ी पे बैठते हुए ये बोलने ना लगे, एंड फॉल ऑन द स्टिक और स्टिक से गिर ना जाए क्योंकि उसको स्टिक पे थाम के ले जाना था उनको, तो उनको क्या टेंशन थी कि टर्टल बीच में बातें ना कर करने लगे, और जैसे ही बातें करने लगेगा ऐसा नहीं हो कि बातें करते करते ध्यान ही नहीं रहे और ये क्या हो जाए फॉल ऑफ द स्टिक यानी स्टिक से नीचे गिर जाए। यू मस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओपन योर माउथ वाइल वी आर फ्लाइंग विथ यू, अब क्या होता है वो दोनों हंस उसको बोलते हैं कि तुमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, जब क्या है हम तुमको उठा के ले जा रहे होंगे तब तुमको क्या करना पड़ेगा तुम्हारा जो माउथ है यानी तुम्हारा मुंह है वो क्या करना पड़ेगा बंद रखना पड़ेगा, कब, व्हेन वी आर फ्लाइंग विथ यू, जब हम क्या कर रहे होंगे तुम्हें उठाकर ले जा रहे होंगे, यानी कि तुम तो ये कह रहे हो कि हम दोनों चोंच में लकड़ी पकड़ ले और तुम उस पर टंग जाओगे, पर एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा तुमको कि तुम क्या करोगे जब तक हम उड़ रहे होंगे तब तक क्या करोगे तुम बातें नहीं करोगे, दे वार्निंग ऐसी वो उनको वार्निंग देते हैं टर्टल को, है ना, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू बी क्वाइट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, अब क्या है वो कछुआ तो क्या है बहुत ज़्यादा बातें नहीं था तो वो उनको ये उसको पूछते हैं ये कि तुमको लगता है कि तुम जो है इतनी देर चुप रह पाओगे, किसको बोलते हैं वो टर्टल को बोलते हैं, कौन हंस, वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमको लगता है कि तुम इतनी देर चुप रह पाओगे, ऑफ कोर्स सेड द टर्टल आई विल बी केयरफुल आई नो व्हेन नॉट टू टॉक, अब क्या है वो कहता है हाँ बिल्कुल, कौन कहता है ऐसा, टर्टल कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं रह लूँगा चुप, आई विल बी केयरफुल मैं बहुत केयरफुल रहूँगा और मुझे पता है कि कब बात करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, है ना, आई नो व्हेन नॉट टू टॉक यानी कब बात नहीं करनी होती ऐसा मैं जानता हूँ। सो द स्वान्स डिड अस ही आस्क्ड, अब क्या है स्वान ने ऐसा ही करा जैसा कि उसको कहा गया था, है ना, क्या कहा था सान ने, फिर वैसे ही करना स्टार्ट करा जैसा कि उससे टर्टल ने बोला था, दे फाउंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक, उन्होंने क्या करी एक बहुत मजबूत लकड़ी लाए कैसी जो वो दोनों मुंह में थाम सके उनकी बीक में, एंड ईच स्वान हेल्ड वन एंड ऑफ इट्स बीक, और क्या कहते हैं वही करते हैं कि वो दोनों स्वान क्या करते हैं अपनी अपनी चोंच में क्या करते हैं उस बीक को यानी कि जो उनकी चोंच रहती है उसमें उस लकड़ी को रख लेते हैं। द टर्टल हेल्ड ऑन द मिडिल विथ हिज माउथ, अब वो क्या करता है टर्टल भी क्या करता है बीच में टंग जाता है किस तरह से उसके माउथ से, यानी ये रहा स्वान ये दूसरा स्वान ये इनके बीच में स्टिक ये इस तरह से स्टिक है और यहाँ पे जो कछुआ है उसने भी किस तरह से उसके मुँह के सहारे टंगा हुआ है वो, है ना, इस तरह से क्या हो गया वो कछुआ भी मुँह के सहारे टंग गया। द टर्टल हेल्ड ऑन द मिडिल विद द हिज माउथ, वो क्या है स्टिक को बीच में से पकड़ लेता है किससे उनके मुंह से, एंड दे फ्ली अवे, और तीनों क्या करते हैं फिर उड़ने लगते हैं, उड़ कौन रहे हैं दोनों हंस उड़ रहे हैं जो कछुआ है वो तो क्या है बीच में टंगा हुआ है।
उसके बाद क्या होता है, इट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग डेट हैड एवर हैपेंड टू द टर्टल। अब वो क्या था, ये तो बहुत एक्साइटेड था, कभी टर्टल कभी उड़ पाते हैं क्या, नहीं, तो क्या है फर्स्ट टाइम इसे उड़ रहा था तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड था। ही वॉज अमेज्ड ऑन द वे बाय लुकिंग द वर्ल्ड फॉर्म सो फार अबव द ग्राउंड। वो क्या था, बहुत ज़्यादा चौंक रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है एकदम से ऐसे ऊपर से दुनिया देखना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, है ना। तो वो क्या था, इस तरह से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया था, यानी सरप्राइज हो गया था इस तरह से रास्ते में क्या है दुनिया को इतने ऊपर से देखते हुए, क्योंकि कछुए कभी उड़ ही नहीं पाते और हंस उड़ पाते तो हंस के सारे वो भी उड़ रहा था, तो इस तरह से ऊँची दुनिया, ऊँची इस तरह से दुनिया देख कर वो क्या था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। ही वॉज लॉन्गिंग टू से समथिंग। वो क्या है, वो कोशिश करता है कि क्या है, उसको इतना खुश हो गया तो वो क्या है कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट रिमेंबर इट टाइम टू कीप क्वाइट, पर उसको याद आ जाता है कि नहीं मैं कुछ बोलना स्टार्ट करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, क्यों, क्योंकि उसने भी मुँह से लकड़ी पकड़ रखी है ना, तो वो बहुत चाहता था कि वो कुछ बोले पर क्या हो गया, उसको चुप रहना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसको याद आ गया कि ये टाइम तो क्या है चुप रहने का टाइम है। एट लास्ट देयर इज द लेक द स्वान हैड फाउंड, इट वॉज अ ब्यूटिफुल लेक लार्ज एंड ब्लू वाइट प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना। और आखिरी में क्या होता है, वो क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं कहाँ पे, उस नई झील पर, और देखते हैं कि वो जो लेक है, नई वाली जो लेक है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा लार्ज यानी बड़ी है, पूरी ब्लू कलर की यानी प्योर वाटर है उसमें, ब्लू कलर का पानी, ब्लू ब्लू दिख रही है, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। ओह लुक द टर्टल बिगेन इन एक्साइटमेंट। और क्या होता है, टर्टल भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि टर्टल तो पहली बार देख रहा था उस लेक को। ओह लुक द टर्टल बिगेन एक्साइटमेंट, क्या है एक्साइटमेंट से टर्टल क्या कहता है, ओह देखो, रिमेंबरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, उसको याद हो गया था। अब क्या हुआ था, यहाँ तक वो लेक तक पहुँच तो गए थे, पर लेक पर नीचे थोड़ी उतरे थे वो, तो क्या है वही लेक तक ऊपर पहुँचे और क्या हो गया, वो टर्टल तो बिल्कुल क्या हो रहा था, उसको शांति ही नहीं मिल रही थी, उसको बोलना था, तो जैसे उसने इतनी ब्यूटीफुल लेक देखी वो बोलना स्टार्ट हुआ। ओह लुक द टर्टल बिगेन एक्साइटमेंट रिमेंबरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, वो क्या हो गया, टर्टल क्या हो गया, बोलने लगा कि ओह देखो कितनी सुंदर लेक है, ऐसा करके, और वो भूल गया कि क्या हो गया कि ये टाइम नहीं है उसको बोलने का, है ना, और उसको ये क्या लगा कि मैं तो बहुत देर से चुप हूँ तो अब तो मुझे बोलना चाहिए, तो बोलना स्टार्ट करता है। द स्टिक स्लिप्ड फ्रॉम हिज माउथ, और क्या हो गई, जैसे वो बोलना स्टार्ट करता है वो जो स्टिक है वो तो उसकी माउथ से क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो इस तरह से क्या हो जाती है, जैसे वो बोलता है तो अब मुंह से पकड़ रखी थी तो क्या हो गया, मुंह खोला तो लकड़ी क्या हो गई, स्लिप हो गई, वो गिर गया नीचे। द स्टिक फ्ली फ्रॉम हिज माउथ एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द स्काई ऑन टू द रॉक्स बिलो, और क्या हो जाता है, वो स्काई से यानी आसमान से नीचे गिर जाता है, क्योंकि जैसे ही ऊपर से लकड़ी छोड़ी उसने नीचे गिरा, और कहाँ पे आके गिर जाता है, एक पत्थर पे यानी रॉक पे आके क्या हो जाता है, वो टकरा जाता है। द स्वान वर सेट टू सी देयर फ्रेंड, अब क्या हो गया, स्वान को देखकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि टर्टल ऊपर से गिरा है तो बच तो सकता नहीं था, तो क्या हो गया, वो डेथ हो गया। अब उसकी वजह से क्या हो गया, जो स्वान थे उनको देखकर बहुत गंदा लगा, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि उनके फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हो, वो तो यही चाहते थे वो टर्टल को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते थे। द टर्टल फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ, तो टर्टल जो गिरा और उसको क्या हो गई, बहुत ज़्यादा चोट लग गई। ओनली बिकॉज ही डिड नॉट नो वेन टू स्टॉप टॉकिंग, है ना, किस वजह से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आया कि कब बात करनी चाहिए कब नहीं, उसको मना कर रहा था कि बात मत करना, फिर भी उसने बात की, इस केस में क्या हो गया उसके साथ, चोट लग गई उसको। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि हमको हमारे बड़ों की और हमारे फ्रेंड्स की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, है ना। और ये बुक का कौन से चैप्टर जो है, कौन सी बुक से लिया गया, अडेप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र नाम की एक बुक थी विष्णु शर्मा की, जो एक कवि है उनकी बुक है, और उसमें से ये एडॉप्ट की गई है जो हमारी जो स्टोरी है वो, है ना। तो इस तरह से हमको क्या पता चला कि हमको हमारे बड़ों की बातें हमेशा सुननी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई हमारी कंप्लीट, अब हमको करना है टेक द करेक्ट ऑप्शंस वगैरह सारी चीज़ें, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।